7.2 मिनट स्ट्राइक के लिए, जहां पर डेडपुल सिमन से कहता है, सिमन मैंने उसे खो दिया। कुछ देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी बड़ी चीज का हिस्सा हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जब से हम आर्मर से भागे हैं, उसके बाद मुझे डेस्टिनेशन मिल गया, मुझे एक घर मिल गया। लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ ढूंढ लिया, उन्होंने मुझे वहाँ पर भी ढूंढ लिया, और अब इस सबसे मैं तंग आ चुका हूँ। तब सिमन उसे लेकर समंदर की तरफ जाता है, और तब हम देखते हैं मैन थिंग को दोबारा पैदा होते हुए। वही दूसरी तरफ समुद्र के किनारे डेडपुल सिमन से कह रहा था, भागने का क्या फायदा, अगर आप कहीं पर भाग ही ना पाए, वो हमें नहीं छोड़ने वाले, वो हमें पकड़ कर रहेंगे और वो हमें लॉक कर एक प्लग कैरियर बनाएंगे, या फिर उससे भी कुछ बुरा कर सकते हैं। और तुम्हें पता है क्या, मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि वो हमें पकड़ ले ताकि ये सब खत्म हो सके। फाइव पॉइंट फाइव मिनट्स स्ट्राइक के लिए। यहाँ पर दूसरी तरफ ब्लैक टैलॉन के प्लांटेशन में हेलस्टॉर्म नाइट शिफ्ट को जला रहा था, तभी जेनिफर केल उस पर अटैक करती है, जो अब डोरमामू के पोजीशन में थी। तब हेलस्टॉर्म कहता है, दूर हटो सर्वेंट ऑफ गुड से, अपना अनसुनो शापित डोरमामू। तब जेनिफर केल उसके मुंह पर कुछ उगल देती है, जिस पर हेलस्टॉर्म कहता है, नहीं तुम जेनिफर नहीं हो सकती। तब वो कहती है, हाँ बेवकूफ, मैं जेनिफर हुई ही नहीं। तब डोरमामू एक चाल चलता है और हेलस्टॉर्म की पत्नी पैट्सी का रूप लेके कहता है, हाँ मैं जेनिफर नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ पैट्सी हूँ, और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन एन वक्त पर डॉक्टर मॉर्बियस कहते हैं, हेलस्टॉर्म नहीं, ये मत करो। तब हेलस्टॉर्म अपने होश में आकर कहता है, नहीं तुमने ऐसी हिम्मत भी कैसे की मेरे पत्नी का रूप लेने की। तब जेनिफर केल कहती है, तुम कमजोर दिल के इंसान हो और तुम खुद अपने इनर नेचर को दूसरों के सामने लेकर आए हो। तब मिचेल मॉर्बियस पर अटैक करते हुए जैक कहता है, तुम मेरे बारे में भूल गए मिचेल। उस पर मॉर्बियस जवाब देता है, जैक ऐसा मत करो, तुम इन्फेक्टेड हो, और उसे दीवार पर पटकता है। तब जैक कहता है, और ये सब हुआ है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी उस कीमती दवाई ने ये सब खराब कर दिया, उस हद तक जिस हद तक तुम सोच भी नहीं सकते। तब मॉर्बियस कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये करना नहीं चाहता था, मुझे माफ कर दो। तब जैक कहता है, मुझे पता है माइकी बॉय, लेकिन मुझे भर्ती करते वक्त तुमने कहा था कि हमारे साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे, तो वो करो, मुझ पर एक फेवर करो अपनी बेजान जिंदगी में, मुझे मार दो। लेकिन मॉर्बियस ऐसा नहीं करता। तब जैक कहता है, तुम सच में एक धब्बा हो, एक ब्लड का प्यासा जानवर अपने इमोशंस दिखा रहा है, तुम एक ढोंगी हो और तुम एक रियल मॉन्स्टर नहीं हो, तो मुझे दिखाने दो कि असली मॉन्स्टर होता क्या है। तब डोरमामू एक और चाल चलता है और हेलस्टॉर्म के कॉन्फिडेंस को कम करने की कोशिश करता है, और इसलिए वो कहता है, जब पैट्सी ने अपनी कलाई काट ली, तुम हेल के लिए भाग गए, जहाँ पर तुम डिमन लॉर्ड्स में से एक बने, है ना डायमंड, लेकिन उन्होंने तुम्हें वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया और तुम इसलिए वापस आ गए। तब हेलस्टॉर्म उस पर जवाब देता है, हाँ ये सच है, क्योंकि वो मेरी ह्यूमन साइड से डरते थे, वो मेरी ह्यूमन साइड से नफरत करते थे, वो सोचते थे कि वो मुझे मॉन्स्टर बना देंगे, लेकिन ये बातें तुम जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे, हमारे पास गुड साइड और बैड साइड होती ही नहीं, हमारे पास साइड होती है हमारे चूज करने पर, और वो डिपेंड करता है हम पर। तुम सुन रही हो जेनिफर केल, मैं जानता हूँ तुम्हें यह पता है। तब जेनिफर केल अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहती है, मुझे जाने दो, लेकिन डोरमामू अपना पोजिशन स्ट्रॉन्ग करता है। तब हेलस्टॉर्म कहता है, तुम कहीं भाग कर नहीं जा सकती जेनिफर, तुम्हें इससे लड़ना होगा, और तुम ये भूल चुकी हो कि हम मिडनाइट सन्स है, हम लाइट को डार्कनेस तक लाते हैं, और हम इसी में माहिर है। और हेलस्टॉर्म डोरमामू के पोजिशन को कम करने के लिए उसके मुखौटे को पकड़ लेता है। तब जेनिफर खुद को डोरमामू के कब्जे से आज़ाद करती है, जिस पर हेलस्टॉर्म कहता है, हाँ हमें इसी की ज़रूरत है, डार्क लॉर्ड और उसके सारे तरीकों से खुद को आज़ाद करने की, उसे रिजेक्ट करने की। तब जेनिफर केल कहती है, तुमने यह कर दिखाया, तुम मुझे वहां से वापस लेकर आ गए हॉट स्टफ। तब वो कहता है, नहीं ये मैंने नहीं, ये तुमने किया। तब जेनिफर केल हेलस्टॉर्म के जले हाथ को देखकर कहती है, ये ज्यादा दर्द तो नहीं कर रहा। तब हेलस्टॉर्म कहता है, नहीं मैं बच जाऊंगा। तब दूसरी तरफ मॉर्बियस जैक से कहता है, जैक तुम्हें पता है, शुक्रिया।
तब जय कहता है अपना शुक्रिया बचा कर रखो जब तुम टेस्ट करोगे ट्रू और प्योरीफाइंग हंगर। लेकिन उस पर मॉर्बियस जवाब देता है, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, लेकिन साइंस ने लगभग मुझे उन जैसा दिखने में बना दिया है और मैंने शपथ ली है किसी को हार्म ना करने की, और मैं इसी के साथ जीऊँगा।